दोस्तों आप अपने वीडियो को किसी भी एप्लीकेशन से एडिट करते हो, चाहे काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, वीएन, कैपकट या फिर दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर लो, आपका वीडियो स्लो मोशन में स्मूथ बन ही नहीं सकता जब तक आप लोग दो ट्रिक को फॉलो नहीं करोगे। चाहे यार आप आईफोन से ही वीडियो शूट कर लो या फिर किसी भी कैमरे से वीडियो शूट कर लो, अगर आप दो ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका वीडियो दोस्तों स्मूथ स्लो मोशन बन ही नहीं पाएगा। अगर आप अपने वीडियो को थोड़ा बहुत स्लो मोशन करेंगे, स्लो करेंगे तो आपका वीडियो सही चलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने वीडियो को ज़्यादा स्लो मोशन में करते हैं आपका वीडियो अटक 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 के चलने लगता है। ऐसा क्यों? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने मेरे लाइफ का 3 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला हूँ, दो ऐसे पॉइंट बताऊंगा। इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने वीडियो को एडिट करते हैं, शूट करते हैं, तो आपका वीडियो दोस्तों 100% स्मूथ स्लो मोशन वाला बन पाएगा। यार स्लो मोशन से आप भी परेशान है, इसीलिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज के इस वीडियो मैं आपके इस परेशानी को दूर करने वाला हूं। तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कीजिएगा। नए मेहमान चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गया हूं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। गाइज मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, वीडियो एडिट करने से पहले दोस्तों आपको वीडियो शूट करने पे पहले पॉइंट पे ध्यान देना है। जब भी दोस्तों आप अपने वीडियो को शूट करेंगे तो कोशिश आप ये कीजिएगा कि आपका वीडियो जो है वो बैक कैमरे से शूट हो। ठीक है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेरा बैक कैमरा ओपन कर लिया हूँ। अब यार अगर आप यहाँ पे फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट करेंगे तो ये मेरा वीडियो मोड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा कैमरा है दोस्तों, मैं मेरे घर के अंदर कमरे के अंदर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका फ्रंट कैमरा ऑन कर देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा मेरा ऑन कर दिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहला सेटिंग करना है, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अब यार यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ये मेरा फ़ोन जो है Redmi का Note 10 Pro Max है, ठीक है, Realme X2 Pro जो मेरा है उसके अंदर भी यही सेटिंग मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1080p अगर आप अपने वीडियो को शूट करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 फ्रेम पर सेकंड मिलता है, या फिर 720 में करेंगे तब भी आपको 30 फ्रेम पर सेकंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप बैक कैमरे से अपने वीडियो को शूट करेंगे, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैक कैमरा ऑन कर लिया है। अब अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड। तो यार यही है सबसे मेन बड़ा पॉइंट, मेन बड़ा डिफरेंट, जब भी आपको अपने वीडियो को शूट करना है स्लो मोशन वाले तो उस वीडियो को दोस्तों आप लोग नॉर्मल में शूट कीजिएगा और 1080 60 फ्रेम पर सेकंड पे। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों आपके वीडियो को स्मूथ ना बनने देने में, ठीक है। अगर आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे अपने वीडियो को शूट करेंगे 100% दोस्तों गारंटी देता हूँ आपका वीडियो जो है परफेक्ट स्लो मोशन में बन पाएगा। मैं आपको दोस्तों आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था सुबह सुबह मेरे छत के ऊपर, स्क्रीन पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो को दोस्तों मैं आपको अभी आपके सामने स्मूथ स्लो मोशन बनाकर दिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा मेरे काइन मास्टर में। ये यार दोस्तों मैंने मेरा काइन मास्टर यहाँ से ओपन कर लिया है, देख सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके 9 और 16 का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसी वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। देख सकते हैं ये रहा हमारा वीडियो, ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ से। अब यार मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो लास्ट का जो पार्ट है सिंपली मैं यहाँ से इसको कटिंग कर देता हूँ, ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा दोस्तों ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, मुझे कम दिख रहा है यहाँ पे, यानी ब्राइटनेस कम है। स्टार्टिंग का जो पार्ट है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कटिंग कर देते हैं, देख सकते हैं। अब यार इस स्लो मोशन में आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, बैक टू बैक स्लो मोशन कैसे बनाते हैं, यानी दोस्तों फिल्मों में जो दिखाया जाता है हीरो की एंट्री होती है या फिर कोई ऐसा सीन आता है वो वाला दोस्तों स्मूथनेस आप कैसे लेके आएंगे। यहाँ से आप लोग का मेन वीडियो शुरू होता है एडिटिंग की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो दोस्तों मैंने 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट किया था, ठीक है। वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, स्पीड पे जाने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो को जितना स्लो मोशन आप कर सकते हैं 0.12x, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से इतना स्लो मोशन काइन मास्टर में होता है, ठीक है, इतना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्लो मोशन हो गया, लेकिन मैं यहाँ से 0.3 रख देता हूँ, ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यार मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो इतना रहे, ध्यान दीजिएगा, ये होता है दोस्तों बैक टू बैक स्लो मोशन का ट्रिक। इस पर क्लिक करेंगे, कैंची पर जाके कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बीच का दोस्तों जो थोड़ा सा पार्ट है इसको यहाँ से आपको क्या करना है लेफ्ट करके डिलीट कर देना है। फिर से दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर छोड़ना है इस प्रकार से, फिर से थोड़ा सा जो पार्ट है डिलीट कर देना है, फिर से थोड़ा सा छोड़ना है इस तरह से, फिर से थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देंगे, लास्ट वाला फिर से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है, एक बार और छोड़ देते हैं, हल्का सा यहाँ से फिर से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने वीडियो के अलग अलग पार्ट को यहाँ पे जो है
आपको डिलीट कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों, बैक टू बैक स्लो मोशन आपका बनने वाला है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं दोस्तों, उन लोगों ने ऐसा वीडियो बार बार इंस्टाग्राम रील्स पे देखा होगा। तो अब यार स्टार्टिंग पोजिशन पर आते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको साउंड ऐड करके दिखा देता हूँ। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद कोई भी एक साउंड मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर वायरल चल रहा है ये वाला सॉन्ग। तो दोस्तों इस सॉन्ग का मैं यहाँ से ऑडियो निकाल लेता हूँ, ठीक है। ऑडियो मैंने निकाल लिया, अब मैं अगर आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा वीडियो एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी वीडियो हमारा लैग नहीं हो रहा है, रुक रुक के नहीं चल रहा, ठीक है। हालांकि मैंने मेरे वीडियो को 0.125x यानी दोस्तों आधा से स्लो से भी स्लो कर दिया है, ठीक है। पांचवा हिस्सा छठा हिस्सा दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको स्लो मोशन में कर दिया है। अब यार यहाँ पे मेन ट्रिक एक और आता है, वीडियो को एक्सपोर्ट आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको शेयर वाले बटन पे इस तरह से क्लिक करना है। अपने वीडियो को दोस्तों आपको 1080 और 60 फ्रेम पर सेकंड पे ही एक्सपोर्ट करना है। अब यार बहुत सारे भाई बोलेंगे कि हमारे काइन मास्टर में 60 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट नहीं करता है। तो यार मेरे भी फ़ोन में नहीं सपोर्ट कर रहा था, कैसे सपोर्ट करेगा, आइए मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। बैक करेंगे इस प्रकार से, सेटिंग में जाएंगे, यहीं पर नीचे आपको मिल जाएगा एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, इनेबल सेविंग विथ अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड। ये दोस्तों मेरा पहले बंद था, तो यहाँ पे मेरा भी 30 फ्रेम पर सेकंड दिखा रहा था, मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो वीडियो रहा मेरा। सेव पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकंड आ गया है वापस से। तो इसी तरह से दोस्तों आपको अपने काइन मास्टर का जो ये सेटिंग है 60 फ्रेम पर सेकंड वाला, इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। बैक कर लेते हैं, अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं सेव करूँगा तो 60 फ्रेम पर सेकंड आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप 60 फ्रेम पर सेकंड को इनेबल करके अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं। यार अगर आप 60 फ्रेम पर सेकंड में अपने वीडियो को सेव करेंगे, आपका वीडियो दोस्तों सेव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपके वीडियो की दोस्तों स्मूथनेस जो है वो एकदम बरकरार रहेगी।